सॉलिड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हेलो जी फरमाई। हेलो जी, मौलाना जाफर पाशा साहब बोल रहे हैं आप? जी, बोल रहा हूँ। बोलिए जी, आपसे 1-2 मिनट बात करना चाह रहा हूँ था मैं। बेटे। जी, आप ये देख रहे होंगे चार मीनार के पास जो हो रहा है, जी वहाँ पर मस्जिद है, जी वहाँ पर नाच गाना डांस ये सब चल रहा है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम बेटे, मैं उधर गया जी, नहीं, मैं ना मैं देखा हूँ। अच्छा संडे फंडे बोल के जो हमारे असद साहब प्रोमोट करे हुकूमत की जानिब से, तो ये सब चीजों के लिए हमारे तकरीबन उलमाए दीन भी खामोश है, कुछ बोले नहीं उनको। ठीक है बेटे, मेरे को नहीं मालूम। मैं अभी मैं आपसे सुन रहा हूँ, मैं यहाँ नाच गाना भी हो रहा हूँ कुछ। देखिए, आपको आप देखिए नाच गाना हो रहा है वहाँ पर, पूरी एक इतने अच्छे मुकाम है वहाँ पर, उसको पूरा एक अगली स्टेज कहाँ बनाए रहा, मस्जिद के पास बनाए मस्जिद क्या? जी चार मीनार के जो एक किताब आए मिलते हैं वहाँ पर मस्जिद है, देखिए हाँ। वहाँ पर स्टेज बनाए, वहाँ पर नाच गाना हो रहा है। आप लोग उलमाए दिन आप लोग नहीं बोलने से ये लोग जो है इनकी हिम्मत बढ़ते जा रही है। आप लोग आवाज उठाइए, हैदराबाद की पूरी आवाम आपके साथ है उलमाए दिन के। आप लोग जो बोलेंगे आप चार आंखों पर, आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह बात करेंगे। नहीं देखिए, आप सिगरेटेट की मस्जिद के लिए इन लोग खामोश। नहीं इंशाल्लाह बोलूंगा, मैं बात करूंगा अच्छे सर से बात करूंगा। आपसे एक उम्मीद है जाफर पाशा साहब, आप बोलिए जरा। हाँ इंशाल्लाह जरूर। ये लोग पूरा असदुद्दीन अवैसी, क्या इनकी जमात पूरी मुसलमानों को तबाह कर दे रही है और कुछ भी नहीं। इनसे मस्जिद खुलाना तो हाथ में हुआ, लेकिन ये संडे फंडे प्रोग्राम करने इंशाल्लाह हाथ बेटे, हुआ। मैं प्रोग्राम में हूँ, बोलता हूँ बाद में। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज।